हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ए इक्लिप्स ऑफ द हार्ट का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कौन जाता है रीना के पास और वो बता देता है कि कुछ हुआ है अंकल के साथ। रीना परेशान होकर पूछती है क्या हुआ है, तभी कौन बोलता है हम उन्हें बचा नहीं पाए। रीना को बहुत बड़ा शक लगता है और रोने लग जाती है और तभी उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है और वो कौन को बोलती है कि प्लीज मॉम को अभी मत बताना, मैं बाद में बता दूंगी। और उसके बाद सीधा ये लोग जाते हैं फुकेट पे जहाँ पर रीना के पापा की डेड बॉडी थी और अपने पापा को देख के बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है क्योंकि रीना के लिए अपने पापा है, उसकी दुनिया थी। और उसके बाद वो बोल रहे थे कान और कौन दोनों से कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पापा को कभी कोई बीमारी थी नहीं तो वो ऐसे अचानक से कैसे मर सकते हैं। और वो रोए जा रही थी। ये सब देख के कान को भी बहुत बुरा लग रहा था। देखो गाइस, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कौन मतलब मेन लीड हो गया और कान उसका बड़ा भाई। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब कौन बाहर आता है तो पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे होते हैं और उसके बाद पुलिस ऑफिसर कौन के पास भी आते हैं और पूछते हैं कि आप थे ना जिन्होंने पहली बार बॉडी देखा सुबह, आप क्यों गए थे उसके रूम में। तभी कौन बोलता है हम लोग आज अलग होने वाले थे और मैं गुड बाय बोलने के लिए उन्हें उनके रूम में गया था। तभी वो ऑटो स्पीड रिपोर्ट दिखाते हैं और बोलते हैं पुलिस ऑफिसर की उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो उनका खून हुआ है। ये सुनने के बाद कौन शौक में आ जाता है। सो जो पिल्स अंकल ले रहे थे ना अंकल चाहे रीना के पापा, वो असल में कोई अच्छी वाली पिल्स नहीं बल्कि वो टॉक्सिन थे जिसकी वजह से उनका हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। ये सुनने के बाद कौन शौक में आ जाता है क्योंकि वो तो वही लेके आया था। हमें दिखाया जाता है इसके बारे में कौन के पापा को भी पता चल जाता है। और उसके बाद जो पिल्स लेके कौन गया था ऑब्वियसली कौन, ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते है। कौन के पापा बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सोच रहे थे कि इस बार मेरा बेटा कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक लॉयर भेजते हैं कौन के लिए क्योंकि सबसे पहला सस्पेक्ट तो कौन ही बन गया क्योंकि वही बिल्स दे के गया था अंकल को। और उसके बाद लॉयर तो भेज दिया, उसके कुछ देर बाद एक बंदा आता है कौन के पापा के पास और वो बोलता है कि हमारी कंपनी से ऑलमोस्ट 90 मिलियन गायब हो गया था, कुछ पैसे की हेराफेरी चल रही थी। पहले तो वो ऐसा बताता है कि अंकल उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जो कौन के पापा थे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसी बात की वजह से इसकी जान गई है, किसी ने उसे पॉइजन दिया है। लेकिन बाद में वो ये बता देता है कि अंकल के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे गए है। तो इंडिरेक्टली ऐसा अभी दिखाया जाता है कि शायद रीना के पापा कौन के पापा को चीट कर रहे थे। इसे सुनने के बाद वो शॉक में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अब फुकेट में कौन के साथ इंटरोगेशन चल रहा था जस्ट लाइक कि वो कोई क्रिमिनल हो, कौन समझाने की ट्राई कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने बस वो पिल्स दिया था। और तभी वहां पर लॉयर आ जाते हैं और कौन को निकाला जाता है। अब फंडे वाला सीन जहाँ पर सब लोग आए हुए थे लेकिन अभी कौन के पापा नहीं आते जिस बात की वजह से सब लोग शॉक में थे, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा लग रहा था सबको। हमें दिखाया जाता है जो कौन था बाहर से देख रहा था रीना और उसके पापा को, पापा सबको फंडे वाला सीन और कहा वो देखे तुम अंदर जा नहीं रहे हो। तभी जो कौन था वो बोलता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे ऐसे फेस करने की हिम्मत हो ही नहीं रही, मेरी वजह से अंकल की जान गई, ऐसा वो बोला था। तभी कहा बोलते कि कम ऑन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी कौन बोल रहा था कि मैं दे गया था ना पिल्स और रीना कैसे लग रहा होगा कि मेरी मैंने उसके पापा को मारा है, मेरी वजह से उसके पापा की जान गई है। तभी कहा बोलते कि अगर ऐसी बात करेंगे तो वही दी थी ना तुम्हें वो पिल्स अपने पापा को देने के लिए, तो फर्स्ट सस्पेक्ट तो उसे होना चाहिए, वो क्यों तुम पे डाउट करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा वो बोलती है। तभी कौन बोलता कि फिर भी मैं अपने आप को भी माफ कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं उस टाइम पे फोन रिसीव कर लेता तो शायद अंकल हमारे साथ होते, ऐसा वो बोल रहा था। सो कौन के मन में ना एक दिल बहुत बुरी तरह से बैठ गया था। हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर कौन रीना के पापा से ऐसे फोटो देखते हुए बहुत ज्यादा रो रहा था, माफी मांग रहा था कि मैं आपको बचा नहीं पाया, आई एम सॉरी अंकल। और जो रीना थी वो देख रही होती है और उसके बाद अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है कि मैं यहीं पर रह रही हूँ आज टेम्पल पे, कौन भी मेरे साथी है, डोंट वरी आप घर जाइए। और उसके बाद दोनों वहीं पर रह जाते सुबह। जब रीना आँख खोलती तो उसके ऐसे बॉडी पे कुछ कपड़े थे मतलब ऐसे कवर करने के लिए। और उसके बाद कौन आता है और उसके साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसे ना अभी भी रीना को फेस करने की इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कान जाता है अपने पापा के पास और वो पूछता है कि पापा आप फॉनल पे क्यों नहीं आए। तभी उसके पापा बता देते हैं जो भी था। ये सुनने के बाद कान बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको अच्छी तरह से पता है ना पापा
अंकल हमारे लिए कितने ज्यादा ऑनेस्ट थे, कितने लॉयल थे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। सुनने के बाद जो पापा थे, मतलब जो कान के पापा, वो बोलते कि ऐसी कोई भी बात नहीं, उसने सच में हमें धोखा दिया हुआ है। और अपनी बड़ी बहन का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे जरूर उसी ने मजबूर किया होगा उसे ये सब करने के लिए, और वो डर के मारे उसने खुदकुशी कर ली। एक कोई सुसाइड वाला केस है, बनना ही कोई मर्डर वाला, ऐसा वो बोल रहे थे। और हमें दिखाया जाता है रीना और उसकी मॉम के पास एक लेटर जाता है, जहाँ पर इस केस को मतलब अंकल मतलब रीना के पापा स्कैम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर लिया, ये बताया जाता है पुलिस वालों से। ये सब सुनने के बाद रीना तो शॉक में आ जाती है, क्योंकि उसके पापा उसके लिए हीरो थे, आइडल थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बोलते कि जरूर आप लोगों को गलतफहमी हुई है, लेकिन वो लोग पूरा प्रूफ दिखाते हैं, जो सब कुछ दिखाते हैं, ये सब देखने का उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और हमें दिखा जाता है जो कौन था, वो भी ये सब सुन रहा था, वो शॉक में आ गया। और उसके बाद उसे याद आया जो भी कान ने बोला था कि कोई तुम्हें फंसाने की ट्राई कर रहा है, तुम्हारे फ्यूचर को स्पॉइल करवा के। और उसके बाद वो सोचता है अंकल आखिर उस दिन मुझे क्या बताना चाहते थे। और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी फैमिली वाले फिर से एक ऑनेस्ट आदमी को फंसा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो रीना थी वो जाती है सीधा कौन के पापा के पास, और वो बोल रही थी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने चीट किया है, लेकिन अंकल थे जो कौन के पापा, वो उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि मुझे भी यकीन तो हो नहीं रहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी बड़ी बहन ने उसे मजबूर किया होगा और वो इन सब चीजों को झेल नहीं पाएगा ना, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली, वरना वो तुम लोगों को फेस कर नहीं पाता। मुझे पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए हीरो है, वो बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा पिता था, लेकिन वो हमेशा रह नहीं पाया, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सब सुन के रीना को बहुत बुरा लगता है और वो बोलते है कि मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करके रहूंगी। और उसके बाद वो बाहर जाने वाली थी, वो देखती है उसके पापा के जो भी चीजें थे ऑफिस में सबको पुलिस को एविडेंस के तौर पे दिया जाने वाला था, ये देख के उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो कौन की आंटी थी वो आती है कौन के पापा के पास और वो बोल रही थी कि तुम एक अच्छे भले इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे इतना बड़ा ब्लेम कैसे कर सकते हो, वो हमेशा हमारी फैमिली के लिए अच्छा रहा है। लेकिन अभी कान के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो बोलते कि मुझे अच्छी तरह से पता है वो ऐसा कभी नहीं करता, अगर तुम प्रेशराइज नहीं करती, तुम कंपनी की सीईओ बनने के लिए सब घटिया चाल चल रही थी, तुमने मुझसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त छीना हुआ है, ऐसा बोल के वो अपनी बड़ी बहन को ब्लेम कर रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है रीना और उसकी मामा टेम्पल पर ही थे, तभी वहां पर कान आता है उसके असिस्टेंट के साथ। और उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या था ना, ऐसे तो आना था कौन के पापा अंकल के हाथ को, वो नहीं आते और साथ में वो कुछ फ्लावर भेज देते हैं। और ये सब बोल रहा था कान की जो भी अंकल ने किया वो सब कुछ बुलाने के लिए पापा रेडी है और तुम्हें माफी कर देंगे, अंकल को माफी कर देंगे, तो ये सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट कर लो, केस को वापस ले लो, क्योंकि रीना केस दर्ज कर चुकी थी। ये सब सुनने के बाद रीना को बहुत गुस्सा आता है। एक बार कौन ने बोला हुआ था कि इन बड़े लोगों के पालतू कुत्ता बन के रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी तुम्हारे एहसान को ऐसा नहीं मानेंगे। और अभी उसे रियलाइज हो रहा था मतलब इन लोगों को तो कुछ पड़े ही नहीं, उसके पापा ने इसकी कंपनी के लिए, कौन के पापा की कंपनी के लिए इतने साल लगा दिए, और इनमें क्या हुआ, उनके पापा को एक गद्दार और धोखेबाज बोल के वो लोग केस को रफादफा करने वाले थे, और उन लोगों ने तो सच को जानने की ट्राई भी नहीं किया। रीना को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये सब फ्लावर जो थे वो भी वहीं पर फेंकवा देती है। कान उसे बताने की ट्राई कर रहा था कि ये सही वक्त है रीना, प्लीज बात को समझने की ट्राई करो, अंकल ने जो भी किया उसके लिए पापा माफी देने के लिए रेडी है। रीना वो बड़ा गुस्सा आता है और बोलते है कि एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर प्रेजेंट करे, तुम भी अपने पापा की तरह ही हो, एटलीस्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम मेरे पापा के साथ क्या हुआ है वो जान सकते थे, इन्वेस्टिगेट करने में मेरी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि मेरे पापा कोई रास्ते के कुत्ते नहीं है, पालतू कुत्ते जो गुड फॉर नथिंग के लिए मर जाए, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया इस कंपनी में, और इनमें क्या हुआ, उनको एक धोखेबाज बोल के सब लोग ऐसे भूल रहे हैं, और मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ऐसा हो बोलती है। कान उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, उसे शांत करने की ट्राई कर रहा था। रीना अपना फोन निकाल के कान के असिस्टेंट को देती है, बोलती है कि एक वीडियो बनाओ और अंकल के हाथ को भेजना बोल देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं 100 दिन तक मेरे पापा की बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करवाऊंगी, मतलब वो होता है ना बर्न नहीं करवाऊंगी, और 100 दिन के अंदर वो अपने पापा की बेगुनाही की सबूत लेके आएगी कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं किया था कंपनी के साथ, और दूसरी बात उसके पापा का मर्डर हुआ था, अगर ये चीज वो प्रूव कर पाई तो अंकल किया था यानी कि अंकल कौन के पापा को घुटने में बैठ के
उनके फॉनल में उनके फोटो के सामने माफी मांगनी होगी, या फिर अगर रीना ये साबित नहीं कर पाए 100 दिनों में और सच में उसके पापा गलत थे ना, तो रीना सब कुछ लेगी, रीना ये सब कुछ ब्लेम से लेगी और वो कंपनी छोड़ के जाएगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो फोटो को ऐसे उस वीडियो को सेंड करने के लिए बोल देती है। कौन ये सब देख रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो आता है क्लैप करते हुए, बोलता है कि ये हुआ ना असली वाला, तुम ना सच में अंकल की बेटी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो अपने भाई और उसके एसिस्टेंट को देखते हुए बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था, ये जो बड़े हाई हाई वाले लोग जिनको अपनी रेपुटेशन के अलावा कुछ पड़ ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, बस अपना मतलब निकाल लिया, उसके बाद दूसरे बंदे को ऐसे रास्ते में छोड़ दिया, तुम सही कर रहे हो, ऐसा बोल देता है। और रीना अंदर चली गई थी और जो कान था अपने असिस्टेंट को भी अंदर भेज देता है। हमें दिखाया जाता है अब बारी आती है कान और कान के बीच में कन्फ्रंटेशन का। कान कौन से पूछता है कि ये प्लाव तुम भेजे थे ना, तभी कौन बोलता है हाँ मैं बस रीना को रियलाइज करवाना चाहता था कि वो और उसके पापा हमारी कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखते, हमारे जाति इतने बड़े निकम्मे हैं कि उनको ना फर्क नहीं पड़ता, वो बस लोगों से एडवांटेज लेना जानते हैं, ऐसा वो बोलता है। ये सब सुनने के बाद कान को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऑलरेडी डैड रीना को माफ कर चुके थे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, रीना ने अपने पापा को खोया है। वो बहुत गुस्से में बाद में वो समझ जाती है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो कौन था वो बोलता है कि तुम और तुम्हारे पापा के डबल स्टैंडर्ड बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो लोग गलत थे और एक भोले भाले इंसान को वो लोग फंसा रहे हैं, और साथ ही में ना उसे ऐसे गद्दार भी बोला जा रहा है, तो उस बेटी को कैसा लगेगा जिस बेटी ने पूरे लाइफ उस कंपनी को दिया हुआ है और उसके पापा की मौत हो गई, ऐसा बोलता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में रीना अब ट्रिप पे चली गई थी और उसे जानना था क्या हुआ था उसके पापा के साथ। कान पूछता है तुम क्या कर रही हो, क्योंकि ऑलरेडी रीना ने रेजिग्नेशन लेटर भेजा हुआ था। तभी रीना बोलती कि 100 दिन तक मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करके वापस लौटूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रीना जब होटल पे अपना कार्ड यूज करती है, तो इस होटल का ऐसा था कि या तो उस होटल के स्टाफ होना चाहिए या फिर इसके मेंबर, लेकिन अभी तो उस कंपनी को रिजाइन कर चुकी थी, तो रीना उस होटल में भी रह नहीं पाती जहाँ पर उसके पापा रहे थे। सो हमें दिखाया जाता है जो रीना थी वो एक पुराने एम्प्लॉय से मिलने जाती है, रहा उसके पापा काम किया करते थे। सो वो बंदा बताता है कि एक दिन पापा का एक डी टाउन के बंदे के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था, वो वहां का मैनेजर हुआ करता था, और उसने क्योंकि रीना के पापा ने उसे काम से निकाल दिया था और उसने बोला था कि मैं बदला लूंगा, लेकिन अब उसने किस तरह से बदला लिया है तो पता नहीं, रीना को लगता है हाँ पक्का इसी ने मेरे पापा को मारा होगा। तो वो जाती है सबसे पहले ड्रिप से मिलने के लिए, लेकिन उस घर में ना कोई था नहीं, एक बंदी आके बोलती है कि वो तो बहुत दिनों से आया ही नहीं, मैं भी उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रामफा था वो तुम्हारी कोई मदद कर पाए, और वो उससे कॉल करने की ट्राई कर रही होती है नंबर लेके, लेकिन तभी वहां पर कौन आके उसका फोन छीन लेता है और उसके बाद उसे अपने उसके हाथ पे पकड़ के बाहर गाड़ी तक ले आता है और बोलता है कि तुम उसे कॉल कर नहीं सकती। तभी रीना बोलती है कि मैं कॉल क्यों नहीं कर सकती, तभी कौन बोलता है मुझे ना बहुत भूख लगी है चुपचाप चलो खाने, और रीना जब गाड़ी में बैठती है और वो कौन उसे जाने दे नहीं रहा था, कौन बोलता है रीना को देखो ये तो मेरी ऑफिस की गाड़ी है तो अभी ऑफिस टाइम है तुम अकेले यूज नहीं कर सकती, बोल के उसके साथ बैठ जाता है एक होटल पे जाके उसे कुछ खिलाने की ट्राई करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि रीना बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने कुछ खाया नहीं था टेंशन के मारे, लेकिन रीना अभी भी बिल्कुल भी कुछ खाने को रेडी नहीं थी, रीना काफी ज्यादा अपसेट थी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो कौन था वो उसे सच बता देता है, जो जीत नाम का बंदा था उस दिन वो उसके रीना के पापा के साथ लड़ाई करके तो गया था, लेकिन उसी दिन उसका बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट क्यों हुआ कैसे हुआ पता नहीं। सो अभी वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जाके रीना को दिखा देता है कौन की वो डीट अभी आईसीयू में था, बहुत बुरी सिचुएशन में था, और जो डीट की गर्लफ्रेंड थी उसे ना वो ये बता देता है कि रीना को अपनी गर्लफ्रेंड ताकि वो लोग कुछ रिएक्ट ना करें, वरना तो वो अगर रीना के पापा का नाम ले लेते ना वो दोनों, तो वो लोग वहां पर बहुत बवंडर खड़ा करने वाले थे। रीना को एक ऐसे बहुत बड़े तालाब के आसपास ले जाता है जहां पर डीट का एक्सीडेंट हुआ था, और कौन बोलता है कि यहाँ पर उसकी गाड़ी ऐसे फेल हुई थी, तो अब ये नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ था सच्ची में मर्टर हुआ था पता नहीं, क्योंकि वो अचानक से बहुत सस्पिशियस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसका जो डैशकैम था वो भी गायब हुआ था ऐसा वो बोलता है। रीना भागते जाते उस पानी के अंदर, वो बोलती है मुझे अभी कभी ढूंढना पड़ेगा, और डैशकैम में भी यही पर होगा, लेकिन जो कौन था उसे बोला था कि अगर तुम डूबोगी ना तुम यहाँ पर डूब जाओगी ना तो मैं तो नहीं बचाने वाला। रीना बिल्कुल भी उसकी बातें सुन नहीं रही थी, वो कंटिन्यूसली डैशकैम को ढूंढने की ट्राई करनी जा रही थी
थी, कौन उसके पास जाके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो रीना। तभी रीना रोते हुए बोलती कि मुझे समझ में आ नहीं रहा, मैं भी मेरे पापा के बेटे ना कि सब यहाँ पर मिले, मुझे तो समझ में आ भी नहीं रहा है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और मैं पापा के लिए क्या कर सकती हूँ, बोल के वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और वो बोलती है कि मैं अपने पापा की मौत को गुड फॉर नथिंग होने नहीं दे सकती, उनको मैं ऐसे जाया होने नहीं दे सकती, मैं मेरे पापा के साथ इतना नाइंसाफी होने नहीं दे सकती। जिस कंपनी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उस कंपनी को कंपनी वाले उन्हें गद्दार बोल के निकाल रहे काम से, और अभी हम लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बोल के रीना रोने लग जाती है। कौन को काफी बुरा लगता है, रीना को हक करता है। सो गाइस यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो गया। अब इसका एपिसोड नंबर 3 आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे 3 और 4, तो आप लोग तब तक के लिए वेट जरूर करना। और जो भी अभी ऑनगोइंग ड्रामे मेरे चैनल पर चल रहे हैं, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी इसके बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।